देखो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हम आए एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने और हम जा रहे थे नुशरों फिर सामान लेने अपने मेडिकल स्टोर का, तो सोचा आप कुछ व्यू दिखाते जाएंगे तो आगे जो खूबसूरत व्यू आएंगे आपको नज़र आएंगे ज़रूर। तो जुड़े रहिए आखिर तक इस वीडियो के साथ। तो पहले हमने सोचा कि पेट्रोल भरवा लें, खुल जा ली तो ये पेट्रोल भरवा रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये पेट्रोल डल गया और ये गाड़ी को ढक्कन बंद किया। ये सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन जो सूरज है उसने अभी अपनी तपश सही से नहीं दिखाई क्योंकि सर्दी आ गई है, तो थोड़ा सा वगैरह पड़ना शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। देखें तो कुछ कुछ चीज़ें तो दूर दूर वाली सही से नज़र भी नहीं आ रही। ये बाबर वालों के गांव का रास्ता है, ये आप देख सकते हैं, ये जाता है बाबर वालों के गांव। भाई उमेर को ठंड लग रही थी, 2 मिनट सोचा रुकें, उमेर जिप लगा रहा है, ठंड लग रही थी भाई को। ये सरसों का साग देखें काफ़ी तैयार हो गया है और इंशाल्लाह इसका रिव्यू आएगा आपके सामने। ये खजी का बाग है देखें, काफ़ी सारी खजियाँ हैं, ये सारे रास्ते में यही खजियाँ आई नज़र, काफ़ी सारी हैं सब, जो 2-3 एकड़ में फैली हुई हैं खजियाँ। कमन तैयार हो गया है, अभी बस 2-3 दिन में कटेगा इसमें। तो गाइस ये अचानक स्टार्ट, ये बस अचानक से ही फल गया था तो इसीलिए इसका नाम अचानक रख दिया है। यहाँ ज़्यादातर हमारे बिरोही भाई रहते हैं, बहुत ही अच्छे और सच्चे दिल के मालिक हैं। फाइनली गन्ना मिल गया हमें रास्ते में। सो बाबर ने कहा कि 2 मिनट रुको मैं खाऊंगा, सो बाबर उठा रहे हैं। बाबर उठाओ ना, उठाओ। हाँ एक अच्छा सा उठा लो, दोनों खा लेंगे अच्छा सा, देखो कोई जो मीठा हो, ये सही नहीं, थोड़ा कीड़ा है इसमें। आगे आगे देखो यार, ये गन्ना अच्छे बीज का नहीं है तो ये मेरी तरह ही थोड़ा सा सुकड़ा हुआ था बाबर भाई अपने जैसा तलाश कर रहे हैं कि काश मेरे जैसा मिल जाए जो मेरी तरह हेल्दी हो। ये भी शायद नहीं है काम का, चलो फिर भी चल जाएगा काम, मीठा लग रहा है ये। हाँ ठीक है बस बाबर भाई। गाइस ये हम आ गए पुलिसियर और ये देख सकते हैं आप, ये डी के मरी रास्ता ज़्यादा दरिया खान और ये सिटी का कंट्रोल और होटल, बहुत ही आला चाय इनकी, चाय इनकी ज़रूरत है कहिएगा। ये पुलिसियर है और पुलिसियर अपने इन टावरों की वजह से बहुत मशहूर है, दूर से नज़र आ जाते हैं ये टावर, तो समझ लें कि पुलिसियर आ गया। ये देख सकते हैं अभी तो धुंध में साफ नज़र नहीं आ रहे टावर भाई। ये शेर है थोड़ा सा, ये देख सकते हो आप, ये फुल शेर है, छोटा सा शेर है लेकिन काफ़ी नाम वाला शेर है, अच्छा शेर है, छोटा सा है। यहाँ काफ़ी कौमें रहती हैं और यहाँ से फिर मोरों के लिए रास्ता निकलता है और नौशेरों के लिए निकलता है। ये देख सकते हैं ये जा रहा है मोरों की तरफ और हम यहाँ पंप से घूमेंगे जैसे हम जंप से बच जाएं, और ये भाई हम जंप से बच गए और ये हम आ गए नौशेरों वाले रास्ते पर, देख सकते हैं आप।
गाइस ये हम फुल ब्रांच पहुंच गए हैं। इसका पुल बना हुआ है, यहाँ पुल से हम जा रहे हैं गुजर के। ये देख सकते हैं तो गाइस ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर फिरोज पहुँच गए हैं अभी। तो सामान लेने से पहले बाबर मेरे भाई ने बोला कि कुछ पेट पूजा कर ले, नाश्ता भी नहीं करके आए थे घर से, जल्दी में आ गए थे बस चाय पी के आ गए। तो चलते हैं पराठा खाते हैं फिर सामान लेते हैं। तो ये देखें हमारा दिल नौशर व फिरोज है, जो ये पठान की होटल भी आ गई। ये ऊपर देखें आप कैसे मदीना होटल नाम है और यहाँ पे रुकते हैं, इनका नाश्ता किया। तो गाइस ये हम बैठे हुए हैं होटल पर और पराठे का इंतज़ार कर रहे हैं, अंडा पराठा जब तक आ जाए। ये बाबर भाई है, तो ये पराठा आ जाए तो फिर हम सर्दी में इसका खूब मज़ा लेंगे, बस इसके आने की देर है। तो ये अंडा और पराठा आ गया है और बाबर भाई से रहा नहीं जा रहा। बाबर भाई खाओ खाओ, बिस्मिल्लाह करो, खाते हैं शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मेडिकल स्टोर पर और हम आपसे अगली व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये आ गया मेडिकल स्टोर, अल्लाह हाफिज़।